हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को इस आधार कार्ड सेंटर होता है जो कि वो आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप भी आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्या एग्जाम देना होगा और किस वाले वेबसाइट पर जाना होगा और फुल्ली डिटेल्स में कैसे आप लोग सीख सकते हो घर बैठे मोबाइल से, ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद देखिए आप लोग इजीली अपना स्टेट का जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप लोग आधार कार्ड सेंटर के लिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन आप लोग कैसे आप लोग अपना रीजनल लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हो। PDF 510 क्वेश्चन है वहाँ में और आंसर भी आप लोग को वहाँ में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अभी मैं आप लोग को स्क्रीन पर सब कुछ दिखा दूंगा, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सो वो सब जानने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और देखिए सिंपली आपको UID का ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। देखिए गाइस, इसी पोर्टल पर आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा अभी कैसे आधार सेंटर ओपन करना है और ओपन करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और कैसे आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप लोग सब कुछ आधार कार्ड का जो भी है अपडेशन के लिए कैसे आप लोग सीख सकते हो ऑनलाइन में घर बैठे। तो वो सब देखने के लिए मैं अभी आपको भी इसी तरीके से UID लिख के सिंपली गूगल पर सर्च कर देना है और उसके बाद सिंपली देखिएगा UID.gov.in इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और देखिएगा ये आप लोग देख सकते हो ये UID का ऑफिशियल पोर्टल है। तो अभी सबसे पहले आपको कहाँ में जाना है, देखिएगा इको सिस्टम, तो ये इको सिस्टम पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद देखिएगा, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ में रखने से ही हो जाएगा और सिंपली यहाँ में देखिएगा सब कुछ ये छोड़ देना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इको सिस्टम, तो ये वाला ऑप्शन पर आप लोग देख सकते हो और उसके नीचे में देखिएगा ये वाला ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स पर सिंपली क्लिक कर देना है। देखिएगा आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए मैं आप लोग को सिखा रहा हूं अभी क्या क्या आपको करना होता है, क्या क्या आप करने के बाद आपको आधार सेंटर मिलता है। तो देखिएगा सिंपली ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो ये आप लोग खुद पढ़िए। हमें सिंपली मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा, देखिएगा आधार सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको NSEIT एग्जाम पास करना होगा, तो UID का ये एग्जाम पास करना होगा। देखिएगा NSEIT ये एग्जाम आपको पास करना होगा और देखिएगा आपको सबसे पहले UID NSITExams.com ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आपको वहां में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए गाइस आप लोग यहां में देख सकते हो NSEIT पोर्टल, तो आधार कार्ड सेंटर के लिए ये पोर्टल पर जाना है। देखिए गाइस ये वाला आप लोग यहां में देख सकते हो, ये वाला है ऑफिशियल पोर्टल, ये हमें ऑलरेडी दे के रख चुके हैं। तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला आप खुद YouTube में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कैसे ये रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग देख के इजीली कर सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ में बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं और भी आप लोग को अच्छे तरीके से बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। देखिए अभी सिंपली नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद ए टेस्ट फीस ऑफ 470.82 इंक्लूडिंग GST, तो GST लगाकर आपको देखिएगा इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको पे करना होगा 470.82 आपको ये ऑनलाइन पे करना होगा। ये पे कर देने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी एग्जाम आपको कैसे पास करना है, देखिएगा वो पास करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यहां में ऑलरेडी अपलोड करके रख चुके हैं। देखिए गाइस UID के तरफ से, तो ये आप लोग इजीली देख सकते हो। देखिए गाइस न्यू क्वेश्चन पेपर, ये में आप लोग देख सकते हो न्यू क्वेश्चन पेपर बैंक फॉर सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एग्जाम
510 क्वेश्चंस एप्लीकेबल फॉर्म। तो आप लोग अपना रीजनल लैंग्वेज में यहाँ में देखिए गैस, अगर आप लोग इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं तो गैस आप लोग इंग्लिश पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये पीडीएफ कम्प्लीटली पीडीएफ डाउनलोड होके आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक कर देना है। अगर असमिस में पढ़ना है तो असमिस में ये असमिस पर क्लिक कर देना है। तो अगर बेंगोली में पढ़ना है तो बेंगोली, गुजराती में पढ़ना है तो गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू। तो ये सारा आप लोग यहाँ देख सकते हो, अपना हिसाब से ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। देखिएगा ये 510 क्वेश्चन और उसके साथ साथ ही आपको आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिंपली देखिएगा मैं इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद देखिएगा इस आप लोग यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या क्या आया था आप लोग सब कुछ यहाँ देख सकते हो। Whom among the following had established UIDAI by passing Aadhaar Act 2016? और state option number 1 पर state government आया था, option number 2 पर government of India आया था, option number 3 पर register आया था, उसके बाद option number 4 पर enrollment agency आया था। तो इसका answer देखिएगा इस यहाँ में answer है, तो answer ये कितना number का होगा, 2 number। तो कोई ऑप्शन नंबर 2 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होगा आंसर, राइट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हो 510 क्वेश्चन आंसर है। देखिए गाइस तो वो सब कुछ आप लोग यहाँ इजीली पढ़ के आपको एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही आप लोग इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए ये आपको सब क्वेश्चन और आंसर आपको पढ़ना है और उसके बाद अच्छे तरीके से दे देना है, तो आप लोग इजीली पास कर सकते हो। यहां से 60% क्वेश्चन आपको कॉमन आएगा। तो ये था गाइस आधार कार्ड सेंटर के लिए क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो ये है। और उसके बाद मैं और भी आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए गाइस अगर आपको आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट ये सारा कुछ घर बैठे जानना है, ये घर बैठे जानना है, तो न्यू लर्नर गाइड ऑन आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट, तो ये आप लोग इजीली डाउनलोड करके सब कुछ सीख सकते हो। कैसे करना है ऑनलाइन, कैसे अपडेट करना है, कैसे नाम चेंज करना है, कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आप लोग यहाँ देख सकते हो। कैसे फिंगर लेना है, कैसे फिंगरप्रिंट देना है, तो ये सारा कुछ आप लोग यहाँ देख सकते हो। देखिएगा सिंपली मैं अभी इंग्लिश पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर देने के साथ साथ ही देखिएगा पीडीएफ, सब पीडीएफ हमें डाउनलोड होके आपके सामने। ये देखिएगा थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ देख सकते हो मैनुअल और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। तो आप लोग यहाँ सब कुछ पढ़ के और देख के आप लोग इजिली घर बैठे सब कुछ आधार कार्ड का जो भी है सीख सकते हो। तो ऑनलाइन आपको यह हमें सीखने को मिलेगा, ये वाला पोर्टल पर आके आप लोग इजीली देखिए, अपना मोबाइल से ही आप लोग घर बैठे इजीली सीख सकते हो। कैसे देखिएगा आधार कार्ड कैसे फिंगर लेना है, आँख का कैसे वो करना है और फिंगर कैसे आपको लगाना है, किस तरीके से लगाने से रॉन्ग होगा, किस तरीके से लगाने से राइट होगा, तो ये वाला आप लोग यहाँ इजीली पढ़ सकते हो। तो ये सारा कुछ आप खुद अपना हिसाब से पढ़िए और यहाँ फॉर्म भी आप लोग को देखने को मिलेगा कैसे भरना है नीचे में। ये देखिए गाइस ये वाला फॉर्म आप लोग यहाँ देख सकते हो, सब कुछ यहाँ डेमो देके रख दिया है। इजीली आप लोग विथ इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये सब कुछ देख सकते हो। ये देखिए गाइस तो इस तरीके से आप लोग अपना हिसाब से अपना रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है। तो ये मैं इंग्लिश पर अभी आप लोग को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हिसाब से जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज पर जाके आप लोग देखिएगा इस यहाँ में आप लोग इंग्लिश, हिंदी, आसामीस, बंगाली, गुजराती, ये अपना सबसे देखिए और सिंपली डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो और खुद ही घर पर ही सीख सकते हो। उसके बाद नीचे में देखिएगा इस लर्नर गाइड ऑन द चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, तो चाइल्ड के लिए भी आप लोग यहाँ सीख सकते हो। तो ये ओनली इंग्लिश पर आप लोग देख सकते हो, ओनली इंग्लिश पर ही यह अवेलेबल है। और उसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे
नीचे जाने के बाद देखिए गाइस न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर CELC सर्टिफिकेशन एग्जाम 75 क्वेश्चन। देखिए गाइस न्यू क्वेश्चन बैंक CELC सर्टिफिकेशन के लिए 75 क्वेश्चन अवेलेबल है, वो भी आप लोग अपना इस सबसे रीजनल लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हो और खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए गाइस न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर सुपरवाइजर ऑपरेटर CELC सर्टिफिकेशन, तो वो भी आप लोग ये में डाउनलोड करके देख सकते हो। मैनुअल आधार सेवा केंद्र यूजिंग ऑनलाइन ECMP क्लाइंट वर्जन, तो ये भी आप लोग सिंपली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लर्नर गाइड ऑन आधार अपडेट के लिए भी पढ़ सकते हो हिंदी और इंग्लिश में। और लर्नर गाइड ऑन द रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरीफायर एंड इंट्रोड्यूसर, तो देखिएगा ये सारा कुछ भी आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सारा कुछ आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो ये था गाइस बहुत ही इजी तरीके से आप लोग ये हमें आके देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर पढ़ के PBS क्वेश्चन पेपर क्या क्या है हमें वो सब कुछ पढ़ के आपको ये वाला वेबसाइट पर जाना है। तो गाइस आधार कार्ड सेंटर ओपन करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो गाइस ये वाला वेबसाइट पर जाना है। ये वाला वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कितना देना होगा ये हमें आप लोग देख सकते हो। 470 रुपीज आपको पे करना होगा इंक्लूडिंग GST के साथ, और GST लगाकर इतना होगा 470 रुपीज। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको एडमिट मिलेगा और आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस में एग्जाम होगा, तो आप लोग एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको आधार कार्ड सेंटर दिया जाता है। तो ये है प्रोसेस आधार कार्ड का सेंटर खोलने के लिए। तो ये प्रोसेस आप लोग कंप्लीटली देखिए अपना हिसाब से, और आप लोग इजीली अगर आप इंटरेस्टेड है आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए तो आप लोग इजीली खोल सकते हो। तो पहले आपको ये क्वेश्चन पेपर सब कुछ पढ़ना होगा और उसके बाद ही आप एग्जाम देना है, तभी आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो गाइस मेरा आज का इस वीडियो में यही सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। चलो गाइस जय हिंद जय भारत।